Hey everyone, I'm Sanket Singh. I'm working as a software engineer at Google. And welcome back to my channel where we talk about tech, productivity, coding, programming, gaming, and other interesting stuff. तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ क्या बढ़िया रोडमैप रहेगा. अगर आप ऑलरेडी किसी बढ़िया कंपनी में हैं तब तो मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत ज्यादा रिलेवेंट शायद आपके लिए ना हो. मतलब आप टॉप टेक जायंट्स में हैं, टॉप फिनटेक जायंट्स में हैं, जैसे गोल्डमैन, मॉर्गन स्टैनली, टावर रिसर्च, या फिर आप फैंग में ऑलरेडी हैं लाइक फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नेटफ्लिक्स, ऐसी कंपनीज में अगर ऑलरेडी हैं, या फिर इंडिया के टॉप 10 स्टार्टअप्स में हैं, तो यार मेरे ख्याल से आप लोग अपने करियर में ऑलरेडी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं. आई बिलीव कि आप लोग ऑलरेडी अपना सही पाथ डिसाइफर करना जानते हैं. बट अगर आप लोग सर्विस बेस्ड कंपनीज में हैं या फिर आप ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हैं जहां से आपको लगता है कि आप बेटर स्विच ले सकते हैं, सो व्हाट शुड बी द थिंग्स दैट यू नीड टू लुक आउट फॉर. तो मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. आई हैव बीन इन दिस रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री फॉर क्वाइट सम टाइम. मैंने 15,000 के आसपास बच्चे ऑलरेडी पढ़ाए हैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन. बहुत सारे बच्चे जो मैंने पढ़ाए हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया जगह अपने करियर में काम कर रहे हैं. कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा है जिसको मैंने या तो मेंटर करा है या पढ़ाया है. सो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ. अब मैं दिमाग में ये बात बिल्कुल रखूंगा कि क्योंकि आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो आपका दिन का 7 to 9 hours ऑलरेडी जा रहा होगा. यू विल बी कंज्यूमिंग और 7 to 9 hours ऑलरेडी इन योर वर्क. आप अपने काम निपटा रहे होंगे, आपको थोड़ा बहुत घर की और चीजें भी होती हैं. उन सारी चीजों को हटाने के बाद जो आपके पास टाइम बचता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. सबसे पहले उन लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं जो कि अपने करियर में अभी लेस देन 1 year एक्सपीरियंस है या 1 year काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है. तो यार अगर आप लोग 1 year तक एक्सपीरियंस लाइक 0 to 1 year काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है, आप लोग किसी कंपनी में आए हैं, तो देखो आपके लिए भी जो करियर पाथ है वो ऑलमोस्ट कॉलेज स्टूडेंट के करियर पाथ से सिमिलर होगा. आप लोग SD1 टाइप के रोल पे होंगे तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को ही ज्यादा प्रैक्टिस करना है. अब आप कॉम्पिटेटिव नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा क्योंकि आपके पास बहुत टाइम नहीं है. तो आप लीड कोड या इंटरव्यू बिट जैसी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम्स. पढ़ना कैसे है, पढ़ने के लिए YouTube पे काफी फ्री ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं. आपके पास मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा टाइम होगा कि आप एक कोडिंग बूट कैंप ज्वाइन करें और फिर चीजों को मैनेज करें. हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कोडिंग बूट कैंप है जो आपके टाइम के साथ चीजों को मैनेज करवा देगा, यू कैन एक्सप्लोर दैट. बट मेरे हिसाब से आप YouTube और बाकी फ्री रिसोर्सेज से चीजें कर सकते हैं क्योंकि आपने थोड़ा बहुत कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ा होगा. यू नीड टू जस्ट ब्रश अप योर स्किल्स, यू नीड टू शार्पन योर स्किल्स, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू. तो अगर आप लोग लेस देन 1 year टाइप एक्सपीरियंस हैं तो इस चीज के ऊपर खासा ध्यान रखेंगे. डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आपके लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. तो अब उन लोगों के लिए बात करते हैं जो कि यार मोर देन 1 year एक्सपीरियंस है, मतलब 2 to 4 year काइंड ऑफ एक्सपीरियंस लोग हैं. तो देखो यार, अब आपके जो आगे करियर में ग्रोथ होगी या फिर आगे जो भी आप स्टेप्स लेंगे वो SD2, SD3 इस टाइप के रोल्स के लिए लेंगे. यहां पे 2-3 चीजें एक नई जुड़ जाती हैं जो कि है डिजाइन. आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन आना चाहिए. डिजाइन व्हेन आई से देन लो लेवल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन. लो लेवल डिजाइन क्या होता है, जब आपको क्लासेस का पूरा स्ट्रक्चर, डिजाइन पैटर्न्स वगैरह सब डिसाइफर करने होते हैं कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है तो एग्जैक्टली उसकी इंप्लीमेंटेशंस कैसे ऑप्टिमाइज तरीके से हो सकती हैं, कैसे आप कोड की रिडंडेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे आप अपनी मेमोरी को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, डिजाइन पैटर्न्स को कैसे इनकल्केट कर सकते हैं, अच्छा मेंटेनेबल कोड कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें आपकी लो लेवल डिजाइन में आएंगी. हाई लेवल डिजाइन में क्या आएगा, हाई लेवल डिजाइन में आपका आर्किटेक्चर डिजाइन आएगा क्योंकि पूरे के पूरे प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट स्केलेबल प्रोडक्ट रहे, मेंटेनेबल प्रोडक्ट रहे, रिलायबल प्रोडक्ट रहे. तो ये जो डिजाइन स्टफ है ये आपका एक एडिशनल पैरामीटर आ जाएगा. मैंने ऑलरेडी अपने कॉलेज के रोडमैप की वीडियो में ये सारी चीजें बताई हैं कि 8 semester के आसपास आप सिस्टम डिजाइन वगैरह को एक्सप्लोर कर सकते हैं. बट अगर आपने उस टाइम नहीं किया तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, उसमें भी उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. अगर आप डायरेक्टली SDE जॉब में नहीं है तो आपको साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स भी प्रैक्टिस करना चाहिए. मान लो आप बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह में है और आप SDE की तरफ आना चाहते हैं तो DSA वगैरह आपको प्रैक्टिस साथ साथ करना होगा. बट डिजाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना. डिजाइन के लिए मैं कुछ बहुत ही बढ़िया YouTube पे फ्री प्लेलिस्ट हैं वो डाल दूंगा, आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं. साथ ही साथ आप ये बुक चेकआउट कर सकते हैं, डिजाइनिंग द डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस. मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सो डू चेक ऑल द रिसोर्सेज, आपको डिजाइन पढ़ने की जरूरत है. डिजाइन के ऊपर एक काफी इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में ऑलरेडी मैं थॉट में हूँ, सो आई विल बी डेफिनेटली पोस्टिंग दैट वेरी 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 सून. अपार्ट फ्रॉम डिजाइन, मेरे हिसाब से जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स. यार कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जब आप सीनियर इंजीनियर बनने लग जाते हो क्योंकि सीनियर इंजीनियर का काम सिर्फ कोड लिखना नहीं होता. सीनियर इंजीनियर इज समवन हु कैन
make a product, who can make a feature, and who can describe how this feature has been built in the most optimized manner to the whole team. Senior engineer मेरे हिसाब से वो होते हैं जो हर concepts को ना सिर्फ खुद बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, बल्कि अपनी टीम को impart भी कर पाते हैं, अपनी टीम की पूरी पूरी ओवरऑल ग्रोथ को देख पाते हैं। देखो, हर चीज को बोलने के भी दो तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका किसी को पोलाइट वे में रिक्वेस्ट कर सकता है, एक तरीका किसी को ऑर्डर कर सकता है। अच्छे कंपनीज में लोग पोलाइट रहते हैं, रिक्वेस्ट रेज करते हैं, तो आपके बोलने का तरीका, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। साथ ही साथ इंटरव्यूज में भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। क्यों आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करेंगे? क्योंकि इंटरव्यू में अगर आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन थॉट में है आपके और आप उसको इम्पार्ट नहीं कर पाए, आप सामने वाले को समझा नहीं पाए, तो कम्युनिकेशन स्किल्स का गैप कहीं ना कहीं हल्का फुल्का ही सही हिट जरूर करता है। क्योंकि इंडिया में अगर आप इंटरव्यूज दे रहे हैं या आउटसाइड इंडिया भी इंटरव्यू दे रहे हैं, हो सकता है जो आपकी नेटिव लैंग्वेज हो वो दूसरे बंदे की नेटिव लैंग्वेज ना हो। तो इस चीज में आपको ये फोकस करने की जरूरत है कि यार इंग्लिश जो कि कॉमन वे ऑफ कम्युनिकेशन है, हमारी कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, इसके ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इसके ऊपर हमें अच्छी ग्रिप बनाने की जरूरत है। क्योंकि जब बाहर से किसी के साथ आप इंटरेक्ट करेंगे या इंडिया में किसी के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो अपने थॉट्स को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। इस सब के अलावा अगर आप ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपने रिज्यूमे में अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर ध्यान दें। आप ट्राई करें कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसमें छोटी ही सही पर टीम को किसी छोटे प्रोजेक्ट के लिए सही लीड करें, आप केटीज दें, आप मेंटर करें न्यू फ्रेशीज को, जो फ्रेशर्स आते हैं कंपनीज में उनको मेंटर करें, इंटर्न्स को मेंटर करें, इंटर्न्स को मैनेज करें, ठीक है। आप अपनी जो मीटिंग्स है उसमें प्रोएक्टिव रहें, आप एक इंजीनियरिंग मैनेजर टाइप की कैपेबिलिटीज को बिल्डअप करने की कोशिश करें जो पूरी टीम को साथ लेके चलता है। और आप ये गोल रखिए कि आगे आपको इंजीनियरिंग में जाना है, या मतलब ऐसे सीनियर आर्किटेक्चर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, या फिर आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना है, या फिर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में जाना है। आप इन तीनों गोल्स को अपने साथ लेके चलिए। इससे क्या होगा कि आपको पता होगा 6 ईयर 7 ईयर 8 ईयर डाउन द लाइन में किस करियर पाथ की तरफ जा रहा होऊंगा। क्योंकि एक टाइम के बाद आपका कोडिंग कितना आप कर सकते हैं वो उतना रिलेवेंट नहीं होता, जितना आपकी खुद की नॉलेज और आपकी टीम बिल्डिंग आई वुड से कैपेबिलिटीज इंपॉर्टेंट होती है। सो मेरे हिसाब से इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल यू शुड डू दैट। आप अपने दिन का 3 से 4 घंटे कोडिंग वाले पार्ट को या फिर डिजाइन पढ़ने वाले पार्ट को दे सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कोई बूट कैंप ज्वाइन करा रहे हैं तो वहां पे ऑलरेडी वो 3 to 4 hours जा रहे होंगे। आप लोग लीड कोड पे वीकली कॉन्टेस्ट दे सकते हैं अपने डीएसए की प्रैक्टिस के लिए, और डिजाइन के लिए मैंने ऑलरेडी कुछ रिसोर्सेज लिस्ट आउट कर दिए, तो उनको चेकआउट कर सकते हैं। सो ये सारे वो तरीके हैं जो मुझे लगता है एक आइडियल रोड मैप क्रिएट करते हैं फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। So if you enjoyed और आपको लगता है कि हाँ यार आप इससे resonate कर पा रहे हैं, so do hit the subscribe button of the video, do hit the like button and we will meet very very soon.